प्रिय भाई बहनों, जय यीशु। हम आज पवित्र आत्मा ईश्वर के तीसरे व्यक्ति प्रभु यीशु के आत्मा तीसरे वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में हम मन चिंतन करते हैं और पवित्र आत्मा हमें जो कुछ सिखाते हैं और पवित्र आत्मा के गुण और व्यक्तित्व को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और वो व्यक्तित्व हमें और ईश्वर के करीब लाएगा। जब हम ईश्वर के तीसरे व्यक्ति, क्योंकि तीनों मिलकर एक ईश्वर बनते हैं, उस तीसरे व्यक्ति के यीशु मसीह को हमने देखा, स्पर्श किया, अनुभव किया। यीशु मसीह के बारे में हमें, मैंने पहले भी आपको बताया, उस व्यक्ति यीशु मसीह के व्यक्तित्व की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो यीशु मसीह को आप सही पहचानते हैं और आप विश्वास में मजबूत, दृढ़ और पक्का हो जाते हैं। अब उस पवित्र आत्मा तीसरे व्यक्ति के बारे में आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। आइए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हे सहायक आत्मा जिसे प्रभु यीशु ने हमें दिया है और यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद तेरा ही राज चलता है और तू कलीसिया में विद्यमान है और तू कलीसिया को पूर्ण सत्य की ओर आगे बढ़ा रहा है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझ पर हम विश्वास करते हैं। ये पवित्र आत्मा, मुझे और सुनने वाले सबको अपनी ज्योति, अपने प्रेम और अपनी दया से अनुग्रहित कीजिए। तेरे ज्ञान में हमें आगे बढ़ने दीजिए ताकि हम हमारे विश्वास की पूर्णता को हासिल कर सकें। ये पवित्र आत्मा, अपनी कृपा और शक्ति से हमें भर दे। हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हे यीशु के आत्मा, हे ईश्वर के आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम पर उतरा और हमें शक्तिशाली बना। हमारे हृदयों को, हमारे मनों को खोल दे ताकि हम एक साथ तेरी आराधना में, तेरी स्तुति में लग जाए। ऐसी कृपा प्रदान कर अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। बाइबल में 12 बार पवित्र आत्मा को पुल्लिंग के रूप में संबोधित किया। ही द होली स्पिरिट, वह आत्मा जो पुल्लिंग है, नहीं कि वो तीसरा व्यक्ति जो यीशु मसीह के समान मनुष्य है, वो पवित्र आत्मा जिसकी हम स्वीकार करते हैं। तो पवित्र आत्मा के लिए हमें पवित्र स्त्रीलिंग का प्रयोग ना कीजिए। वो सहायक आत्मा हमें प्रतिज्ञा, हमें शक्तिशाली बनाएगा। उस पवित्र आत्मा के लिए जब हम बोलते हैं तो हम पुल्लिंग का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और यौहन के सुसमाचार में अध्याय 14 के 17 में लिखा है, वो सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं जानता, वो सत्य का आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। ये प्रभु यीशु के शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। वो सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं जानता, बल्कि यीशु के शिष्य ही जान सकता है। यीशु के शिष्य ही इनके प्रबोधन और इनके शिक्षा को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हम यीशु के शिष्य हैं तो हमें पवित्र आत्मा के वरदान, फल और पवित्र आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा और पवित्र आत्मा हमें ही प्राप्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं। योहन के सुसमाचार में अध्याय 15 के 26 फिर कहता है, वो सहायक आत्मा आएगा तो वो ईश्वर के बारे में और यीशु के बारे में साक्षी देगा। वो सत्य का आत्मा, अब वो सहायक आत्मा, सहायक आत्मा जो ईश्वर के बारे में, परमपिता के बारे में और यीशु के बारे में साक्ष्य देगा। साक्ष्य वही दे सकता है जो किसी व्यक्ति के बारे में परिचित हो, है ना। जब मैं
किसी घटना को देखता हूँ, मुझे किसी वस्तु या घटना के बारे में मालूम है, तभी तो मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ, उनके लिए साक्षी दे सकता हूँ। तो वो परम पिता के लिए और पुत्र यीशु मसीह के लिए साक्षी देने में समर्थ है, क्योंकि वो इन दोनों को जानते हैं। और यौहन के सुसमाचार में अध्याय 16 के 8 फिर कहता है, जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। तीन चीजों के बारे में, पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा, इसी भ्रम में पड़े हुए हो। हम अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, मैंने बताया ना पहले आपको, हम अपना बोध, अपने विचार और अपनी धार्मिकता के अनुसार, हमारे विचारों के मुताबिक हम इधर उधर भागते हैं। तो ये तीनों के विषय में, पाप, धार्मिकता के, हमें किस पथ पर, किस मार्ग पर, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। कलीसिया में अब आपने मनचाही बात मनमाने ढंग से बोल नहीं सकते हैं। कलीसिया में पवित्र शास्त्र और ग्रंथ का प्रबोधन आप पढ़ाएंगे, उस कलीसिया जैसे निर्धारित करती है उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। कोई भी अपने हिसाब से सुसमाचार का उल्लेख नहीं कर सकते, इसका भी एक तरीका है। पवित्र आत्मा हमें जैसे बताया है, पवित्र आत्मा हमें जैसे बताता है कलीसिया के माध्यम से, ये तीनों के विषय में, पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में आपको शिक्षा देगा पवित्र आत्मा। धार्मिकता हमें कैसे अपनाना है, इसराइल के जनता जो पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं था, यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करते थे, मुक्तिदाता यीशु मसीह की इंतजार राह देख रहे थे, वे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को जानते थे और कहते थे हम इब्राहिम की संतान है, हम इब्राहिम की संतान है, हमें प्रतिज्ञा प्राप्त है, हमें ईश्वर के नियम और ईश्वर की संहिता हमें मिली है, हम जानते हैं हम इब्राहिम की संतान है, तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु बताते हैं नहीं, आपको धार्मिकता सीखना होगा, आपको वो धार्मिकता अपनाना होगा जिसे प्रभु चाहता है। पौलुस कहते हैं ना, आपको वो धार्मिकता स्वीकार करना होगा जिसे प्रभु चाहता है। वो सहायक आत्मा आपको बताएगा कि पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, जिसका आपको पालन करना है और जिस पर आपको चलना है, वो धार्मिकता आपको सिखाएगा। और दंडाज्ञा के बारे में भी पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। दंडाज्ञा के बारे में आने वाले समय में हमारा निर्णय होना अनिवार्य है, इसका बोध जरूर हमारे अंदर होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा इसका बोध हमें देता है, पवित्र आत्मा इसका बोध हमें देता है। जब हम उस पवित्र आत्मा के तहत दंडाज्ञा के बारे में अपने मन, हृदय और दिमाग में बोध नहीं रखता ना, तो हम अपना मनमाना आचरण करने लगेंगे, हमें धार्मिकता पसंद नहीं आएगा। और पाप के बारे में कोई क्या है, सब कुछ चलता है, क्या दिक्कत है, हर कोई यही करता है, हम भी तो कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा पाप है भाई, इसमें क्या दिक्कत है भाई। तो वो पवित्र आत्मा की मध्यस्थता और सहायता हमें जरूर चाहिए। क्यों? पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और दंडाज्ञा के बारे में हमें हमारा भ्रम प्रमाणित कर, हमें उससे, हमारे भ्रमित भावनाओं से हमें दूर करेगा, हमें उभारेगा। और पवित्र आत्मा कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, पवित्र आत्मा कैसे महान व्यक्ति है। लिखा है कुरिन्थियों के नापाले पत्र में अध्याय 2 के 11 में, पवित्र आत्मा ईश्वर का अंतरतम जानता है, पवित्र आत्मा ईश्वर का अंतरतम जानता है, वो उनके सारी बातों का लेखा रखता है, वो सब कुछ जानता है। ईश्वर किसी को बचाने का निर्णय किया तो पवित्र आत्मा तुरंत पहुंच जाएगा वहां उसको बचाने के लिए, उसको प्रेरणा देगा, उनके मन के अंदर से कहेगा तुम्हें इस राह पर चलना है, तुम्हें उस राह से चलना है, उस मार्ग को अपनाना है, इस यही सही रास्ता है, इधर से चलो। इसलिए हम
जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा, ईश्वर जो हमारे मन में जो चाहता है, ईश्वर जो आपके विचार है उसके अनुसार पवित्र आत्मा कार्य करने लगते हैं तुरंत। और कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 12 के 11 में प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा लोगों को वरदान देता है, अपने दानों और फलों से अनुग्रहित करता है, है ना। पवित्र आत्मा के दानों और फलों से जब हम अनुग्रहित हो जाएंगे तो हम पूर्णता प्राप्त करेंगे, है ना, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, है ना, द कंप्लीट मैन, द कंप्लीट वूमन। सो द कंप्लीट मैन इज द वन हु हैज रिसीव्ड द फ्रूट्स एंड गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। देखो पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से अनुग्रहित हो जाएंगे तो व्यक्तित्व की पूर्णता आ जाते, सौम्यता, संयम, ईमानदारी, ये सारे पवित्र आत्मा का गुण है। तो हम सौम्य, शालीन, सुंदर, बढ़िया व्यक्ति बन जाते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण, परामर्श, दूसरों को सुनते हैं, विवेक, ईश्वर का भय, ये सब पवित्र आत्मा का दान है। तो फिर हम पूर्ण व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 8 के 27 में प्रभु का वचन कहता है हमारे हृदयों के अंतरतम को पवित्र आत्मा जानता है, हमें प्रार्थना करने नहीं आता। तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर से, अंतरतम से पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, क्योंकि हमें क्या, कैसी भाषा बोलनी चाहिए और कैसे हमारे वचनों के, शब्दों को उपयोग करना है हम नहीं जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताएगा। हमारे अंतरतम को जानकर पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा कि हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा हम ईश्वर की स्तुति करें, हमारे अस्पष्ट आहों द्वारा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें मदद करेगा कि हम ईश्वर की स्तुति करें। एफिसियों के नाम पत्र में अध्याय 4 के 30 में पौलुस कहता है आप पवित्र आत्मा को दुख ना दें, पवित्र आत्मा को कष्ट ना दें, पवित्र आत्मा को आप परेशान ना करें। पवित्र आत्मा संवेदनशील व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है जो संवेदनशील है, आप इसलिए उनको दुख ना दे, दुखी हो जाता है, बार बार आपको बोलता रहा, प्रेरणा देता रहा, बार बार आपके पीछे आता रहा, लेकिन आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा को आप दुख ना दे, पौलुस इस बात को कहते हैं। फिर के नाम पत्र में 4:30 में और प्रेरित चरित्र में अध्याय 13:2 में प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा बोलता है, जब बरनबास को चुनना था तो पवित्र, उन लोग पवित्र आत्मा से आग्रह किया, पवित्र आत्मा से पूछा और चिट्ठी निकाली, पवित्र आत्मा उनको बोला कि बरनबास को चुनो, यूदस के स्थान पर बरनबास को चुनो। और साऊल की नियुक्ति हुई तब भी पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला कि इनको चुन लिया जाए। और आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा शिक्षा देता है, सिखाता है। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 12 के बारे में प्रभु कहता है ना, आपको बोलने के लिए उस समय शब्द दिए जाएंगे, आप डरिए मत, आप दूसरों के सामने पेश किए जाएंगे और आप पर अत्याचार किया जाएगा, तो आप डरो मत, जब लोग तुम्हें दंड देंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो डरना नहीं, पवित्र आत्मा उस समय बोलने के लिए तुम्हें शब्द देंगे। और पवित्र आत्मा का विरोध और तिरस्कार ना करने के लिए पौलुस कहते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 7 के 51 में प्रभु का वचन में पौलुस कहते हैं आप पवित्र आत्मा का विरोध और तिरस्कार नहीं करें, क्योंकि आप ये कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को बार बार तिरस्कार करोगे फिर वो बोलती बंद हो जाती है ना। हमारे अंतरात्मा की आवाज जो है ना, वो बार बार पवित्र आत्मा हमको देता है, लेकिन हम उसको दबाते फिर वो बंद हो जाता है, फिर अंतरात्मा की आवाज और पुकार सुनाई नहीं देता। इसलिए विशेषकर ध्यान दीजिएगा। और हम किस तरह पवित्र आत्मा का अनादर कर सकते हैं, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, पवित्र आत्मा का अनादर कब और कैसे होता है। एफिसियों के नाम पत्र में अध्याय 4:30 कहता है आप कभी पवित्र आत्मा को दुख ना दें। मैंने पहले भी आपको बताया था पवित्र आत्मा को आप दुखी कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को आप दुख ना दें, वो संवेदनशील व्यक्ति है, वो ईश्वर का कार्य कर रहा है, वो आजकल हमारी दुनिया में कलीसिया में व्याप्त है,
वो कलीसिया को एक मार्ग की ओर अग्रसर करा रहे हैं, ईश्वर की ओर ले जा रहे हैं। आप उसे कभी दुख ना दें। और पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं का दमन ना करने के लिए तेसलुनीकियों के नाम पत्र में पहले पत्र में अध्याय 5:19 कहता है कि आप पवित्र आत्मा की जो प्यास है ना, वो आपके अंदर है ना, उसे जागृत रखना, कभी उसे बुझाना नहीं। और अन्य दुनियावी चीज़ों से, अन्य सारे बातों से आपके पवित्र आत्मा के प्रति जो उत्साह है ना आपके अंदर, उसका दमन ना करें। पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ ना बोलने के लिए प्रेरित चरित्र की अध्याय 5:3-5 में अननियास और सफीरा झूठ बोलकर आते हैं, तो कहते हैं पवित्र आत्मा से आप झूठ ना बोलें, क्योंकि पवित्र आत्मा सारी बातें जानता है। कलीसिया है ना, कलीसिया में आया और उनके सामने झूठ बोला, कलीसिया की मदद के लिए, कलीसिया का निर्माण के लिए अपना योगदान देने के लिए वो स्वयं आगे आया और झूठ बोला। पवित्र आत्मा से कभी झूठ ना बोलें। प्रेरित चरित्र 5:9 में फिर कहते हैं आप पवित्र आत्मा की परीक्षा ना लें। कुछ लोग पवित्र आत्मा से खेलते हैं, देखते हैं क्या होगा। फादर लोगों के साथ है ना, फादर लोगों के साथ कभी कभी थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो सही बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ना कीजिए, पवित्र आत्मा का परीक्षा ना लीजिए। जब आप कलीसिया के नेताओं के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, आप जरा अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो भी वो भी ठीक है, इस तरह की भावना लेकर आप जब कलीसिया के लोगों के साथ जाते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की परीक्षा ले रहे हैं, मत कीजिएगा। और पवित्र आत्मा कलीसिया में रहकर हमें जीवन प्रदान करता है, कलीसिया हमें आनंद और उमंग देता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस वचन में, सुंदर सा वचन में आपको बताना चाहूंगा। एजेकियल नबी कहते हैं 37:14 में, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। एजेकियल नबी से पूछा गया, ये सारी हड्डियां जो मरे हुए इंसान हैं, क्या इनमें ये पुनर्जीवित हो सकते हैं, ये दोबारा जन्म ले सकते हैं, पुनरुत्थित होकर आगे बढ़ सकते हैं? अब ये तो सारे हड्डियां हैं, कपाल हैं, तो कैसे होगा? लेकिन प्रभु कहता है मैं अपना आत्मा दूंगा, मैं इन पर अपना आत्मा भेजूंगा और ये सब जीवित हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये सेना के तौर पर उभरेगा और एक सेना बनकर पूरा राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो पवित्र आत्मा जब प्रभु प्रदान करता है तो हमें जीवन आ जाएगा। और एजेकियल नबी की ग्रंथ अध्याय 36:26 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, हमारे अंदर के पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें रक्त मांस का हृदय मैं प्रदान करूंगा। हमारे अंदर जो पत्थर का दिल बन जाते हैं ना, कभी कभी जीवन के दुख, संकट, निराशा और रोग इत्यादि हमें हमें पत्थर सा बना देता है, कठोर बना देता है, हमें जीवन में निराशा आ जाती है और निराश होकर हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं और सबों को प्रताड़ित करने लगते हैं, कोई हमारे पास आ नहीं सकता और जो कोई आता है उसे हम अपने शब्दों द्वारा, अपने कठोर स्वभाव के कारण भगा भी देते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम मुझसे प्रार्थना करो। अब ये जो इसराइल की जनता हठधर्मी हो गए हैं, ईश्वर का विरोध करते 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 अब ये पत्थर सा बन गया है, अब मैं क्या करूं? इनका उद्धार के लिए मैं अपने आत्मा को भेजूंगा इनके अंदर, वो आत्मा क्या करेगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें रक्त मांस का हृदय, फिर नवनिर्माण है। इसका मतलब एक जो निर्माण प्रभु ने किया था, उस निर्माण से आप कार्य कर अपनी सुविधा के अनुसार पत्थर का बना दिया, अब आपका नव निर्माण करना होगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से पत्थर वाला, वो जिद्द वाला, हठधर्मी वाला वो हृदय निकालकर आपको रक्त मांस का हृदय
प्रदान करेगा और हमारा दोबारा नया जन्म होगा। पवित्र आत्मा का कार्य है। और जोएल नबी कहते हैं अध्याय 3:1, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। सब शरीरधारी, एज़ेकियल नबी के द्वारा बताया 36:26 में के रक्त मांस वाला हृदय प्रदान करूंगा। अब जोएल नबी द्वारा कहते हैं सब शरीरधारियों पर मैं अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। पहले हमने हठधर्मी, जिद्दी, कठोर क्यों बना दिया था अपने आप को? क्योंकि हमारे जीवन की मुश्किलें, जीवन की समस्याएं और हमारा ये पाप भरा जीवन, दर्द भरा, दुख भरा जीवन हमें पत्थर सा बना दिया था। अब सभी शरीरधारियों पर मैं अपना आत्मा उतारूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा और तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी आगे की ओर देखने लगेंगे और आशावान बन जाएंगे कि हम आगे की ओर देखते हैं और पता चलेगा तुम्हारे लिए एक सुंदर सा जीवन, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया जीवन, मुक्ति का संदेश प्रभु रखा है और तुम सारे सबके सब नए इसराइल, नए जीवन में प्रवेश करोगे। तो फिर आप और उज्जवल और शक्तिशाली और आनंदमय बन जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेंगे। कहने का तात्पर्य है तुम्हारे पुत्र पुत्रियां आगे हमारे आने वाले सौभाग्य की ओर देखेंगे। तुम्हारी संतान, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां आने वाले उस महादर्शन, महासौभाग्य, वो स्वर्ग के राज की ओर देखेंगे और वे भविष्यवाणी करने लगेंगे, यानी कि वे समझने लगेंगे कि आने वाला जीवन सुखदायी जीवन है, आने वाला जीवन बढ़िया है। प्रभु ने हमारे जो तैयार रखा है उसे कभी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और हृदय ने कभी अनुभव नहीं किया। इसकी विवेचना करेंगे, इसकी ओर देखेंगे, वे आनंदित और उल्लसित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वे भविष्यवाणी यानी कि आशावान हो जाएंगे। और यौहन के सुसमाचार में अध्याय 14:16 में प्रभु का वचन कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक नया, एक दूसरा सहायक आत्मा प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा और मैंने जो शिक्षा दी है उनके बारे में तुम्हें समझाएगा। प्रभु ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए उस सहायक आत्मा को तुम्हें दे दूंगा, वो तुम्हें सारी बातें समझाएगा और मैंने जो शिक्षा दी है उसके बारे में तुम्हारे सामने सारी बातें खोल कर रखेगा। मैंने जो शिक्षा, जो तुम्हारी समझ नहीं आया है ना, मैंने दृष्टांतों में शिक्षा दिया तुमको ताकि तुम उसे समझ सको। उसमें भी यदि कमी आ गई है तो मैंने जिन बातों को आपको बताया ना, वो सारी बातों का खुलासा तुम्हारे सामने पवित्र आत्मा करेगा। इसलिए मैं परमपिता से प्रार्थना करूंगा उस सहायक आत्मा की मध्यस्थता और सहायता जो हमारे साथ है उसको पहचानना अनिवार्य है। मैंने जो वचन सुनाया उस वचनों को हम जैसे जैसे बार बार आप दोहराइए, सीखिए, इसे बार बार सुनिए, तब आप में जीवन आ जाएगा। क्योंकि उस पवित्र आत्मा की मौजूदगी पहचान के द्वारा हमें मिलता है। जब आप किसी को पहचान, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का पहचान किसी को जानने से है ना, हम सुनते हैं ना, संत यूसुफ माता मरियम को नहीं पहचाना, नहीं जाना, इसका मतलब क्या है? किसी को पहचानना मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल जाना, ये मतलब है। अगर आप पवित्र आत्मा को पहचानते हैं, उस व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़ते हैं, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा, आपने जो फोटोस में देखा, आपने जो मूवीज में देखा कपोत के रूप में उड़ता हुआ, हाँ वो पक्षी, उससे आगे निकलकर इन बातों पर आप विचार करेंगे, सहायक आत्मा, हमारे साथ रहने वाला आत्मा, वो व्यक्ति के, उसका पहचान करेंगे, जीवन आनंदमय होएगा। पवित्र आत्मा के वरदानों से और फलों से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ रहे और पवित्र आत्मा की सहचारिता को आप पहचान जाए और पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से आप आभूषित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सारे अनुग्रह कृपा आप पर बरसता रहे। सबको जय यीशु।